हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। दिस इज दीपक यादव एंड वन ऑफ द एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। सो गाइज, आज के हम सेशन में डिस्कस कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। जो आर्ट एंड कल्चर बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, और स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये हम नितिन सिंघानिया की बुक पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 100% से, और कभी भूलोगे नहीं गाइज, पक्का आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन इस सीरीज़ को पूरी देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ कि काफ़ी डीपली यहाँ पे पढ़ाऊँगा पूरी बुक, जिससे कि आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपको इस बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंटेंट तैयार करा है इसका, विद पिक्चर्स, विद मैप्स और हर चीज़ की लोकेशन और पिक्चर्स के साथ। तो गाइज, पूरी सीरीज़ देखना और लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का, पार्ट वन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का पार्ट वन है नहीं, ये हम अपनी सीरीज़ में पार्ट वन बनाया है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर का नेम। तो हम डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी और आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। सो गाइज, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये बुक। आप यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए, ईयरली वाइज यहाँ पे मार्क्स जो हैं प्रीलिम्स में कैसे आए हैं, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए। 2017 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2014 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ऐसे ही आगे भी चला है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ज़्यादा के मार्क्स के आ जाएं। तो आप समझ रहे होंगे कि इस बुक की इंपॉर्टेंस की, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रीलिम्स से भी क्वेश्चंस आते हैं इतने ज़्यादा मार्क्स के। और मेंस में देखिए, 2014 में देखिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी अगर 250 मार्क्स का एग्जाम है, GS1 में आता है ये आर्ट एंड कल्चर, 250 मार्क्स का है, तो जिसमें से यानी कि 40 मार्क्स के सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आया है, जो कि आप इस बुक में से आया है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस बुक की। तो हम वही आज से हमने स्टार्ट करी है सीरीज़, कुछ टाइम बाद हम ये ख़त्म कर देंगे पूरी बुक। तो यहाँ पे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा ये बटन, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और गाइज, आप मुझे इस इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा नाम Deepak_1004 है इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप फॉलो कर लीजिए, और अपनी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग एनी ऑफ द कॉम्पिटिव एग्जाम्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 है, इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पॉटरीज के बारे में डिस्कस करना है, कि हम आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है, देन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का डिफरेंस। तो बने रहिए यहाँ पर। इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं आर्किटेक्चर क्या होता है। द वर्ड आर्किटेक्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टोन, यानी कि जो आर्किटेक्चर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से, यानी विदेशी वर्ड से बना है, जो कि क्या नाम है, टेक्टोन। और टेक्टोन का भी एक मतलब होता है जो कि है बिल्डर। टेक्टोन का मतलब है बिल्डर, किसी चीज़ को बिल्ड करना। सो एज सून द अर्ली मैन बिगेन टू बिल्ड हिज और हर शेल्टर टू लिव इन द टू लिव इन, यानी कि जैसे ये बहुत पहले की बात हो रही है, हम एकदम पास्ट में चले गए हैं, जब सब कुछ स्टार्ट हुआ था, जब दुनिया एकदम स्टार्ट हुई थी तब हम चले गए हैं आर्ट एंड कल्चर में, तब हम तब का पढ़ रहे हैं। तो जब अर्ली मैन यानी आदिवासी थे वो लोग, क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने शेल्टर, अपनी छत रहने के लिए अपने सर पे छत बनाई, तभी से ये जो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है स्टार्ट हो गया था। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने ही यहाँ से शुरू कर दिया था ये सिलसिला। देन उसके बाद स्कल्पचर क्या होते हैं, आर्किटेक्चर हमने समझ लिया कि बिल्ड करना किसी चीज़ को, स्कल्पचर क्या होता है। ऑन द अदर हैंड इज डिराइव फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन PIE, यानी जो स्कल्पचर है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट से निकलता है, मतलब ये लैंग्वेज है, यूरोपियन लैंग्वेज वहाँ से आता है, और इसमें भी एक वर्ड है कैल, कैल से लिया गया है स्कल्पचर। कैल का मतलब होता है टू कट और क्लीव, यानी कि कट करना और उसके बाद उसे शेप में बना देना, या फिर उसे शेप में बना देना। ठीक है गाइस, तो स्कल्पचर का मतलब कट और क्लीव, और इंट्रोडक्शन में और उसका आर्किटेक्चर में टेक्टोन, आर्किटेक्चर को एक लैटिन वर्ड से लिया गया है टेक्टोन से, और टेक्टोन का मतलब होता है बिल्डर। ठीक है गाइस, और स्कल्पचर, स्कल्पचर एक प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिस वर्ड है जिसमें एक कैल उससे लिया गया, और उसका मतलब क्या है, टू कट और क्लीव। स्कल्पचर आर स्मॉलर वर्क्स और आर्ट इधर हैंडमेड ऑफ इट टूल्स, स्कल्पचर जो है वो स्मॉलर वर्क हैं, और जो स्कल्पचर जो है वो छोटे कामों से रिलेटेड होता है, और जो आर्किटेक्चर होते हैं वो बड़े बड़े काम, जैसे घर वगैरह, बिल्डिंग्स, हाउसेस, पब्लिक बाथ्स, इन सब के लिए आर्किटेक्चर यूज वर्ड वर्ड यूज़ होगा। और स्कल्पचर स्टैचूज के लिए, पॉटरीज के लिए, सब स्टैचूज, पॉटरीज, सील्स, इन ये सब, इन सब के लिए स्कल्पचर वर्ड यूज़ होता है। ठीक है गाइस, छोटी चीज़ों के लिए स्कल्पचर एंड बड़ी चीज़ों के लिए आर्किटेक्चर। देन आगे चलते हैं।
हाँ तो गाइज यहाँ पर फिर हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। हम अब जानेंगे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में डिफरेंस। वैसे तो हम समझ ही गए हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जो आर्किटेक्चर है वो रेफर किससे करता है, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स बनाने में पहले उसे डिज़ाइन करना। आर्किटेक्चर का वर्क क्या होता है, डिज़ाइन करना उसे, फिर उसको उसी तरीके से बनाना, ठीक है। और फिर उसके अदर साइड पे देखते हैं जो स्कल्पचर है वो थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट के ऊपर बेस्ड है। थ्री डायमेंशनल यानी स्कल्पचर यहाँ पर जो हमें पहले मिला, क्योंकि हम, मैंने जैसे बताया, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में चले गए जब स्टार्ट हुआ था सब कुछ, देश बनना, ये दुनिया बननी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे इंडिया, तब हम चले गए जब। तो थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट थे यानी स्कल्पचर्स थे। स्कल्पचर्स मैंने बता दिया छोटी चीज़ों से रिलेटेड। तो स्कल्पचर्स यहाँ पे तीन चीज़ों से देखा जा रहा है, तभी तीन थ्री डायमेंशनल क्यों कहा जा रहा है, रिलेट करा जा रहा है। स्कल्पचर हमें तीन टाइप्स के मिले थे। सील्स मिली थी ऑल ओवर टाइम में, हम पूरे जो हड़प्पा पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, पूरे टाइम में हमें सील्स मिली हैं। देन उसके बाद हमें पॉटरीज मिली हैं, और फिर उसके बाद हमें ब्रॉन्ज मेटल से, ब्रॉन्ज से रिलेटेड स्टैचूज मिले हैं, ठीक है गाइज, याद रख सकते हैं ये तीन, इसलिए यहाँ पर थ्री डायमेंशनल वर्क्स ऑफ आर्ट कहा जा रहा है। देन उसके बाद आर्किटेक्चर पर आता है। आर्किटेक्चर यूजेज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड। अब आप सही बात है, जैसे आपको अगर घर बनाना है एक, तो उसको क्या सिर्फ एक मटेरियल से बना लोगे, कभी नहीं, ढेर सारा मटेरियल चाहिए। पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, ग्लास चाहिए, मेटल चाहिए, सैंड चाहिए, और अन्य और भी चीज़ चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपना हाउस एक बना पाओगे। बट ऐसा स्कल्पचर में नहीं है। स्कल्पचर जो है वो सिर्फ एक सिंगल मटेरियल चाहिए, मीन्स एक इतनी बड़ी रॉक ले ली हमने, अब इसमें रॉक को ही कटिंग करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक रॉक रॉक को ही अच्छे से कटिंग करके हमने यहाँ पर एक इसमें से स्टैचू निकाल दिया। तो गाइज हमें सिर्फ एक ही मटेरियल तो लगा, इसमें से हमने स्टैचू बना दिया, देन इसे कहते हैं स्कल्पचर। और आर्किटेक्चर क्या होगा, हमारा मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हमने अभी पढ़े। देन उसके बाद आर्किटेक्चर पे आते हैं। तो आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होती है इंजीनियरिंग, स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली बात है, क्यों ज़रूरी होगी वहाँ पे मैथमेटिक्स, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट की ज़रूरत है कि आप ऐसे हाउस बना दोगे, ऐसे घर बना सकते हो बिना उसके मेजरमेंट के, कभी नहीं बना सकते। तो उसके लिए मेजरमेंट चाहिए, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। बट ऐसा स्कल्पचर में नहीं है। स्कल्पचर में सिर्फ क्या चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, इमेजिनेशन चाहिए आपका, जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा उतनी अच्छी आपकी स्टैचू बन के आएगा, आपकी जितनी अच्छी क्रिएटिविटी आओगी आप उतना अच्छा फाइन वर्क करोगे। बट यहाँ पे ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का, ताजमहल, रेड फोर्ट। और यहाँ पर हम लोग स्कल्पचर के एग्जाम्पल की बात करें तो नटराजी में जो डांसिंग गर्ल, नटराजी में जो डांसिंग गर्ल की, इन दोनों की बात हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे जब हम इन्हें पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े हैं और ये छोटे छोटे स्टैचू हैं, तो समझ ही गए होंगे आर्किटेक्चर जो है वो बड़े चीज़ के लिए है और स्कल्पचर जो है स्मॉलर वन के लिए। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग अब इंडियन आर्किटेक्चर कवर करेंगे। इंडियन आर्किटेक्चर क्या होता है, इट्स इंडियन जो आर्किटेक्चर क्या होता है, नहीं, इंडियन आर्किटेक्चर यानी कि जो इंडिया में सबसे पहले जब सब कुछ स्टार्ट हुआ, इंडिया बनना स्टार्ट हुआ, एवोल्यूशन हुआ इंडिया का, देन उसके बाद कैसे कैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर्स थे, यानी कैसे कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, वही चीज़ हमें जाननी है। फ्रॉम द एंशंट हरप्पन वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल। आपको पता ही होगा तीन पार्ट में हिस्ट्री पूरी बटी हुई है, एंशंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न। देन यहाँ पर हमें जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है वो सभी का पढ़ना है, एंशंट का भी पढ़ना है, मिडिवल का भी पढ़ना है, मॉडर्न का भी पढ़ना है। तो ये सबसे पहले की बात, ये बीच की बात, और ये एकदम नई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंशंट एंशंट हरप्पन वैली जो ये इंडियन आर्किटेक्चर है वो, इसका इवेल्यूशन इवोल्यूशन कब तक रहा, एंशंट से लेके ब्रिटिश रूल यानी जब तक अंग्रेज़ों ने राज किया है तब तक इंडियन आर्किटेक्चर का यहाँ पर ये पूरी पूरी हमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरी, जब तक जो हरप्पन वैली का हमने डिस्कवरी हुई, देन उसके बाद से जब तक ब्रिटिश रूल रहा इंडिया में, तब तक की पूरी हम वो इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या था वहाँ पे, कैसे कैसे लोग रहते थे। देन इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स, यानी कि फॉरेन रूलर्स आए, देन उन सब की भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। फॉरेन रूलर्स आए और क्या क्या था वहाँ पे, सामान वगैरह जैसे जैसे सब लोग यूज़ करते थे, क्या कैसे कैसे घर थे, कैसे कैसे रोड थी, क्या क्या सामान यूज़ करते थे, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या थी, क्या क्या मिला है हमें खुदाई करने के बाद, ये सब हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंशियंट इंडिया, यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन बताया इंडियन आर्किटेक्चर, मैंने जैसा कि बताया आपको हिस्ट्री जो है पूरी तीन पार्ट में बटी हुई है, एंशियंट,
मिडिवल एंड मॉडर्न। तो हम लोग पहले एंशंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंशंट इंडिया में जो वो है कि हमें क्या क्या मिला। तो एंशंट इंडिया में हमारी एक हरप्पन आर्ट, मॉरियन आर्ट, पोस्ट मॉरियन आर्ट, गुप्ता एज, साउथ इंडियन आर्ट। तो ये हमारे पांच, ये पांच कंपार्टमेंट्स हैं, पांच जगह हैं। अब यहाँ पे पांच टाइप्स की हमारे अलग अलग सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। बट जो हमारी आज का लेक्चर है, पूरा सेशन है, पूरा सेशन बहुत लंबा जाएगा, उसमें हम पूरा हरप्पन आर्ट कवर कर देंगे, जो कि पूरी नितिन सिंघानिया के बुक में दिया गया है। पूरा हम हरप्पन आर्ट कवर करेंगे, देन नेक्स्ट सेशन में मॉरियन आर्ट, उससे नेक्स्ट में पोस्ट मॉरियन आर्ट, गुप्ता एज, ऐसे हम पूरी बुक कवर करेंगे। देन मिडिवियल इंडिया, जैसे मैंने बताया मिडिवियल इंडिया के काम टाइम क्या क्या था, दिल्ली सल्टनेट आया, मुगल आर्ट आया, ठीक है। और फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया के टाइम क्या आया, इंडो गोथिक स्टाइल आया, न्यू रोमन स्टाइल आया। बट हमें यहाँ पे अब हरप्पन आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करनी है, ठीक है गाइज, हम यहाँ पे हरप्पन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर देखते हैं, अ फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन एमर्ज, जो ये सिविलाइजेशन कब एमर्ज हुआ, यानी हरप्पन, हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन कब आया, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन कब आया, 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस, यानी इंदस एक रिवर है, उसके बैंक्स पर यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्कवरी हुई हरप्पन सिविलाइजेशन की। अभी हम इसकी लोकेशन भी देखेंगे, ये हरप्पन सिविलाइजेशन है कहाँ पर, यह है पाकिस्तान में। हम लोग लोकेशन देख लेते हैं इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का रहा हमारा बॉर्डर, ठीक है गाइज। और यहाँ पर ये हरप्पा है, और ये इंडस, यहाँ पे इंडस रिवर आ रही है, इसकी बैंक्स पे यहाँ पे ये हरप्पा है, ये इसकी लोकेशन हो गई। देन अब हम आते हैं वापस, अ मार्क्ड फीचर ऑफ दिस एंशियंट सिविलाइजेशन, इसकी जो मतलब पहले एक मार्क्ड फीचर, यानी कि सबसे हम लोगों ने नोटिस क्या करा है, क्या चीज़ हमें मिली है, वो न्यूमरस स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स बहुत सारे मिले हैं हम लोगों को, सील्स बहुत सारी मिली हैं, पॉटरीज बहुत सारी मिली हैं, ज्वेलरीज बहुत सारी मिली हैं उस टाइम पे, स्कल्पचर्स बहुत ही सारे, मतलब उस टाइम पे जब अब लोगों ने आर्कोलॉजिकल फाइंडर्स ने फाइंडिंग करी है, तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं वहाँ पर उस समय, स्कल्पचर्स मिले हैं ढेर सारे, सील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज, इन सब के बारे में आगे बात होगी डिटेल में। हरप्पा एंड मोहनजोदारो, टू मेजर साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो हरप्पा है मोहनजोदारो है, दोनों साथ में ही यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं पहले। और यहाँ पे बात हो भी रही है कि जो ये हरप्पन सिविलाइजेशन था, उसके रोड्स के बारे में बात करेंगे अभी हम आगे, हाउसेस के बारे में कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे, उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी थी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप मोहनजोदारो देख लीजिए, मोहनजोदारो भी यहाँ पर ही कहाँ पर, पाकिस्तान में है, ठीक है गाइस। देन उसके बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि पूरा ये जितनी भी साइट्स हमारी मिली हैं इसको, इसको जो ये क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही एक साइट हरप्पा है, उसी का ही एक पार्ट मोहनजोदारो है, उसी का ही एक पार्ट धोलावीरा है, उसी का ही एक पार्ट बनावली है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और उनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि वहाँ पर क्या क्या मिला गया है, कि लोग पहले क्या क्या यूज़ करते थे, कैसे कैसे रहते थे वहाँ पर, क्या क्या ढूंढा गया है, उनकी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हरप्पा की, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ऑन द बैंक रिवर ऑफ रावी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, हमने लोकेशन देखी हरप्पा की। देन हरप्पा में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं हम लोगों को, देखा है हमने वहाँ पर कि पहले के लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे। टू रो ऑफ सिक्स ग्रीनरीज विद बिग प्लेटफॉर्म, टू रोज का मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से रो हो गई, अब इसके अंदर सिक्स ग्रेनरीज हो गई, एक, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सिक्स यानी कि ग्रेनरी यानी अनाज, ये बिग प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है अनाज, इसमें इकट्ठा भरा पड़ा है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी पिक्चर्स के थ्रू भी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ मिली है हमें, ये चीज़ देखी हमने। देन उसके बाद स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, लिंगम यानी कि शिवलिंग का स्टोन सिंबल मिला है, मदर गॉडेस फिगर मिली है, ये भी हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे और लास्ट में इसे पूरा डिस्कस करेंगे। वीट एंड बार्ले इन वुडन मोर्टर में मिला है, डाइस मिला है जो लूडो में होता है जैसा, कॉपर स्केल और मिरर मिला, कॉपर का एक स्केल मिला है, मिरर मिला है, स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, यानी स्कल्पचर मिला है, एक डॉगी चेस कर रहा है हिरन को, जो कि ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है, कांसा, कांसा जिसे कहते हैं, उसका बना हुआ है, ठीक है गाइस। ये चीज़ें हमें मिली हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान में रखना, क्योंकि यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है गाइस। तो आपको क्या क्या चीज़ें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से आपने पढ़ ली हैं,
अब हम लोग पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। एक एक मिनट, एक लास्ट चीज़ रह गई है, रेड सैंड स्टोन मेल टोर्जो भी मिला है हम लोगों को, उसकी पिक्चर मैंने यहीं पर लगा दी है, ये देख लीजिए, ये भी हमारे एक फाइंडिंग है जो कि हमें वहाँ पर देखी गई है, पाई गई है। कहाँ पर? हड़प्पा में। उसके बाद हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, 6 रोज ऑफ ग्रीनरी, यानी कि ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रीनरीज यानी अनाज रखा हुआ है, ये चीज़ हमने मिली है। और यहाँ पे ऊपर डिटेल लिखी है कि कितने लंबे थे, कितने चौड़े थे, कितने मीटर लॉन्ग थे, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद मदर गॉडेस फिगर हमारी कुछ ऐसी है, इसे हम बिल्कुल लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कितनी डेकोरेटेड फिगर है, कैप भी लगी हुई है, यहाँ पे नेकलेस है, गिर्डल पहन रखा है, कमरबंद पहन रखा है, और देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इनके इस स्टैचू के बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी ये दोबारा आएगा। और फिर हमें डाइस मिला है, डाइस कुछ ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मोहनजोदारो। फर्स्ट साइट हमने जो हड़प्पा है वो कवर कर ली है, अब हम लोग आ गए हैं मोहनजोदारो में, कि मोहनजोदारो में हम लोगों को क्या क्या आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदारो भी जो कि वो प्रेजेंट है पाकिस्तान में, ऑन द रिवर ऑफ इंदस, हमने यहाँ पर इस लोकेशन देख ही ली है। मोहनजोदारो की भी बेटे एक बार और देख लेते हैं, मोहनजोदारो भी यहाँ पर ही हमें मिला है। देन उसके बाद मिला नहीं है, मोहनजोदारो डिस्कवर किया है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंडिंग्स देखते हैं, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट सिटाडल मिला है। सिटाडल मैं आपको यहीं बता दूँ, फिर आगे हम एक पिक्चर भी देखेंगे। सिटाडल ये एक अपर पार्ट होता है, ये एक लोअर पार्ट होता है। जो ये अपर पार्ट होता है यहाँ पे रिचर लोग रहते हैं, ठीक है गाइज, ये जो लोअर पार्ट रहता है यानी पुअर, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो रहते हैं। तो जिसे यहाँ पे अपर पार्ट है इसे यहाँ पे सिटाडल कहते हैं। तो हमें सिटाडल की फाउंडिंग करी है। फिर उसके बाद ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी फिर से मिली है, पोस्ट क्रिमेशन बुरियल यानी कि कब्रिस्तान की कुछ बातें जानी है यहाँ पर। स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रीस्ट यानी कि एक पंडित जी जिनकी दाढ़ी है वो मिले हैं, स्कल्पचर उनका मिला है। फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है। पशुपति सील मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे अभी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन देख ही ली है, अब हम बात करते हैं सिटाडल की। तो गाइज यहाँ पे एक आप देख रहे होगे, ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट, जो लोअर अपर पार्ट है यहाँ पे रिचर लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे रिचर सेक्शन रहते हैं और यहाँ पर वर्कर्स रहते हैं छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे घर रहते हैं नीचे वाले में, जो ये लोअर सिटी, यहाँ पे छोटे छोटे घर रहते हैं और यहाँ पे वर्कर्स ही ज़्यादातर रहते हैं। तो ये लोअर सिटी यानी कि एक लोअर पार्ट होता है, तो यही है सिटाडल। देन उसके बाद हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ देख सकते हो, यह है पिक्चर ग्रेट बाथ का हमने देखा है। और इस ग्रेट बाथ में एक चीज़ और नोटिस करी गई है कि इस ग्रेट बाथ इतनी क्लैरिटी से बना है कि यहाँ पर एक भी क्रैक नहीं है। तो आप इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का, इनकी स्किल्स कितनी अच्छी थी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। देन उसके बाद पोस्ट क्रिमेशन बरियल मिला है, कुछ इस तरीके से दफनाया जाता था ये पता चला है। बियर्डेड प्रीस्ट मिले हैं, ये यहाँ पे ये शॉल ओढ़े हुए, आप इनकी बियर्ड देख लीजिए कितनी स्टाइलिश है, इन्होंने आर्मलेट भी पहन रखा है, शॉल भी है, शॉल पे एम्ब्रॉयडरिंग भी हो रखी है, मतलब ये लोग फैशन से बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर थे, ठीक है गाइज, इससे ये तो पता चलता ही है। देन आगे चलते हैं हम लोग, डांसिंग गर्ल का ये स्टैचू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसने भी आर्मलेट पहन रखा है, नेकलेस पहन रखा है, और एक डांसिंग पोस्चर में। तो गाइज यहाँ पर हम लोग एंड में इसे भी पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमें पशुपति सील मिली है, पशुपति सील यहाँ पे एक देवता भी कहा जा रहा है इन्हें, तो देख सकते हैं इन्होंने कैप पहन रखी है, टू हॉर्न कैप पहन रखी है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राइनोसॉरस, बफेलो, एलिफेंट्स, और एलिफेंट, और यहाँ पे टाइगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं और ऊपर इंस्क्रिप्शन हुआ हुआ है, तो यानी कि पशुपति सील आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमें मिली हुई है, मतलब यहाँ पे हमने फाइंड करा है, और जैसे कि पहले लोग रहते थे तो वहाँ पर हमें हड़प्पा में ये चीज़ें मिली हैं। देन उसके बाद आते हैं धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। तो धोलावीरा की हम लोकेशन देख लेते हैं गाइस, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड साइट है, यानी कि हड़प्पा हमने कवर कर लिया, मोहनजोदारो कवर कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं धोलावीरा की। धोलावीरा कहाँ पर है लोकेशन, और वहाँ पर हमारी क्या क्या आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, वहाँ पे यानी कि वहाँ पर क्या क्या मिला है पहले ज़माने का। तो धोलावीरा आप देख सकते हो यहाँ पर है, अगर यहाँ पे जूम करके ये देखा जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट है धोलावीरा, ठीक है गाइज। ये आगे चलते हैं, यहाँ पे धोलावीरा में हमें क्या क्या मिला है, जाइंट रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर मिला है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, स्टेडियम है, डैम्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं,
यानी एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर मिला है। मतलब ये लोग वाटर की देखिए यहाँ पे कदर जानते थे कि किस तरीके से करते हैं वाटर, और फिर यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी कर रखा है उन्होंने, स्टेडियम मिला है, और डैम्स की शुरुआत भी आप यहीं से कह सकते हो, इन्वेंशन धोलावीरा से ही शुरू हुआ। और फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, यहाँ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक हार्ड सरफेस होगा जिस पे किसी चीज़ से गाड़ कर लिख दिया जाता है, यानी कि पत्थर से या किसी चीज़ से लिख दिया जाता है, किसी चीज़ को गड़ा कर एक हार्ड सरफेस पे, तो वो उस पे रगड़ के लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर उसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ये भी फाइंड हुए हुए हैं इंस्क्रिप्शन। अब हम धोलावीरा के लोकेशन देखते हैं। लोकेशन हमने देख लिया, अब हम इंस्क्रिप्शन की फ़ोटोज़ ये है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इंस्क्रिप्शन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस चीज़ से ये 10 साइंस बने हुए हैं, इंस्क्रिप्शन मिला है ये हमें, और किस चीज़ पे ये गाड़ कर लिख दिया गया है, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड की तरह लग रहा है। सो गाइज ये भी हमें वहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। देन उसके बाद आता है हमारा फोर्थ साइट आती है, क्या आती है, लोथल, जो कि मैनचेस्टर है बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि मैनचेस्टर एक हब कहा जा रहा है, जो सबसे यहाँ पे रिचर बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं वो लोथल में मिली हैं। तो हम अभी हम लोथल की लोकेशन देख लेते हैं। लोथल जो है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं, जो कि लोथल गुजरात में है वो लोथल भी, तो हम लोगों ने लोकेशन देख ली है। लोथल में क्या मिला है, डॉक यार्ड मिला है, प्रैक्टिस ऑफ बुरियल ऑफ क्रेमेटेड रिमेन्स, यानी कि उससे रिलेटेड, कब्रिस्तान से रिलेटेड कुछ बातें पता चली हैं। राइस हस्क यानी चावल का छिलका या चावल की भूसी मिली है। फायर अल्टर्स यानी कि अगरबत्ती जिसे कहते हैं हम, अगरबत्ती मिली है। और पेंटेड जार्स, जार्स हैं जो पेंट हुए हुए हैं, वो हमने फाइंड करे गए हैं। मॉडर्न डे चेस फाइंड करा गया है। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स एंड शिप फाइंड करा गया है। अब गाइज यहाँ पे टेराकोटा मतलब मैं बता दूँ आपको, जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को बेक कर दिया जाता है, यानी कि उसे फायर में तपा दिया जाता है, आग में तपा के उसे एकदम वो बना दिया जाता है, हार्ड बना दिया जाता है, देन उसे टेराकोटा कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी से ही हॉर्स शिप बनाकर उसे हार्ड, फिर उसे बेक कर दिया गया है, जिससे वो हार्ड हो गए, तो टेराकोटा फिगर मिली है हॉर्स शिप की। इन लोगों को मतलब शिप वगैरह की भी जानकारी थी। देन इंस्ट्रूमेंटल मीजरिंग मिली है, इंस्ट्रूमेंटल मीजरिंग मिली है 45, 90 एंड 180 डिग्री एंगल्स, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं जो कि मेजर कर सकते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देन हम लोग आगे चलते हैं, लोथल की हमने लोकेशन देख ही ली। अब हम बात करते हैं राखी गढ़ी की। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हड़प्पा डिस्कस कर लिया, मोहनजोदारो डिस्कस कर लिया, धोलावीरा डिस्कस कर लिया, अब आ गई बारी राखी गढ़ी की। ये सब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, यानी कि उसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जगह आती हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ये राखी गढ़ी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है राखी गढ़ी। और सबसे बड़ी बात आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, राखी गढ़ी को कंसिडर करा जाता है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, यानी सबसे बड़ी जो जगह है वो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो हड़प्पा से भी ज़्यादा बड़ी जगह राखी गढ़ी कहा जाता है। तो फिर गाइज क्वेश्चन जो है वो पुट हो सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और फिर हम यहाँ पे अब लोकेशन देखते हैं राखी गढ़ी की, हरियाणा में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर है हमारा राखी गढ़ी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम लोग वापस। अब यहाँ पे हमारी फाइंडिंग्स क्या क्या है, यानी कि राखी गढ़ी में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ग्रीनरी, वही चीज़, ठीक है गाइस, ग्रीनरी मिली है हमें, अनाज मिला है, सेमेट्री, कब्रिस्तान, ड्रेन्स यानी नालियाँ यहाँ से देखी गई हैं, ठीक है गाइस, जो नालियाँ होती हैं वो यहाँ पे मिली हैं। देन टेराकोटा ब्रिक्स हैव बिन फाउंड, टेराकोटा यानी कि ये ईंटें जो होती हैं, ईंटें मिली हैं, ईंटें टेराकोटा से बनी हुई, यानी टेराकोटा यानी चिकनी मिट्टी से ईंट बनाकर उसे आग में तपा कर उसको ठोस बना के, वो मैंने जैसा कि बताया चिकनी मिट्टी होती है, उसे फायर में बेक कर दिया जाता है, तो वो टेराकोटा कहलाता है। तो उसी के थ्रू यहाँ पर ये ब्रिक्स बनी हुई है। तो गाइज अब हम आते हैं उसके बाद रोपर, हमने राखी गढ़ी भी पढ़ लिया और बाकी अदर साइड्स भी पढ़ लिया, अब हम रोपर पे आए। तो रोपर कहाँ पे लोकेटेड है, बैंक्स ऑफ सतलज पंजाब में, ठीक है गाइज, बैंक्स ऑफ सतलज और पंजाब में, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, येरा रोपर की लोकेशन। ठीक है गाइस, तो फिर हम लोग चलते हैं अभी पीछे। तो यहाँ पर रोपर में हमें क्या मिला है, दो ही चीज़ें मिली हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी है। डॉग बरीड विद ह्यूमन ओवल पिट, यानी कि एक ओवल सा गड्ढा है जिसमें एक डॉग मिला है, ठीक है गाइस, डॉग मिला है
बरीड विद ह्यूमन, यानी एक ह्यूमन के साथ उसे दफनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये डॉग जो है ये पालतू जानवर है इस आदमी का। ठीक है गाइस, ये मालिक है इस डॉग का, ऐसा लग रहा है। इन्हें दोनों को साथ में दफनाया गया है, ये मिले हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पे कॉपर, कॉपर की एक्स मिली है, यानी कि कुल्हाड़ी मिली है कॉपर की। ठीक है गाइस, तो रोपर की बात हो गई है, लोकेशन भी देख ली है। देन उसके बाद आता है बालाथल एंड कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है लोकेटेड। अब कालीबंगन की लोकेशन देख लेते हैं, तो कालीबंगन ये रहा हमारा यहाँ लोकेटेड। ठीक है गाइस, अब चलते हैं। तो कालीबंगन में क्या क्या हमारी फाइंडिंग्स हुई हुई हैं, बैंगल फैक्ट्री मिली है, चूड़ियों की यहाँ पे फैक्ट्री मिली है, टॉय कार्ड्स मिले हैं, यानी कि जो कार्ड्स होते हैं, हथगाड़ी होती हैं, बैलगाड़ी होती हैं, वो उसके टॉय से खिलौने खिलौने के रूप में मिली हैं हमें। बोन्स ऑफ कैमल, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। डेकोरेटेड ब्रिक्स, जो ईंटें होती हैं वो यहाँ पर डेकोरेट हुई भी मिली हैं हम लोगों को गाइस, कि ईंटें जो होती हैं वो डेकोरेट करी हुई मिली हैं, सजी हुई। सिटाडेल एंड लोअर टाउन हमने पढ़ ही लिया कि सिटाडेल और लोअर टाउन, एक बार और देख लेते हैं। जो सिटाडेल होता है वो अपर पार्ट होता है, एंड लोअर टाउन होता है वो लोअर में, आपको नाम से ही समझ में आ गया, नीचे होता है। यहाँ पे रिचर लोग रहते हैं, यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं। देन फायर अल्टर, यहाँ पे फिर हम लोगों को अगरबत्तियाँ मिली हैं। देन उसके बाद हमने लोकेशन देख ली, अब यहाँ पर आते हैं सरकोताड़ा। सरकोताड़ा जो कि गुजरात में लोकेटेड है, यहाँ पर क्या मिला है, एक ही चीज़ मिली है, फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स, यानी घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। आप यहाँ पर यही वाली ओरिजिनल पिक है इसकी, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम बनावली चलते हैं। तो बनावली जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, और कहाँ पर लोकेटेड है, सरस्वती रिवर जो कि सूख चुकी है उसके ऊपर यहाँ पर लोकेटेड है बनावली। हम लोग यहाँ पर इसकी वो भी देख लेते हैं लोकेशन। तो बनावली जो है गाइस यहाँ पे लोकेटेड, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा बनावली। ठीक है, तो बनावली में क्या क्या मिला है हम लोगों को, टॉय प्लफ मिला है, अभी हम इसके पिक्चर से थ्रू देखेंगे। बार्ले ग्रेन्स मिले हैं, लैपिस लजूली मिला है, फायर अल्टर्स अगरबत्तियाँ मिली हैं, और जो गाइस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि बनावली, देखिए गाइस जो इकलौता बनावली ऐसा है जहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वो रेडियल हैं। ठीक है गाइस, स्ट्रीट्स रेडियल, अभी हम पिक्चर के थ्रू यहाँ पर इसे देखेंगे। तो हमें इस लोकेशन देख ली, टॉय प्लफ मिला है, ये रहा गाइस टॉय प्लफ, यानी कि जो खिलौने के रूप में हल मिला है, यानी उन्हें किसानी के बारे में भी नॉलेज थी। अब हमें रेडियल स्ट्रीट्स जो मिले हैं वो रेडियल स्ट्रीट्स के रूप में वहाँ पर ये जो है बनावली लोकेटेड है। तो रेडियल स्ट्रीट्स ऐसा पैटर्न होता है कुछ, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे घर होते हैं, यहाँ पे घर होते हैं, यहाँ पे घर होते हैं, सड़कें ऐसे होती हैं, यानी गोल गोल आप देख सकते हैं, और सब एक ही जगह जाके मिल जाती हैं। तो गाइस यह है रेडियल स्ट्रीट का पैटर्न, एक ऐसी इकलौती सिटी है जो कि रेडियल स्ट्रीट है। ठीक है गाइस, यहाँ पर रेडियल स्ट्रीट है, वो कौन सी है आप लोगों को पता चल गया है आज, बनावली। देन उसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की हम लोकेशन देख लेते हैं। आलमगीरपुर भी एक साइट है उसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आलमगीरपुर को देखें तो ये रहा हमारा, पहले तो हम इसके बॉर्डर देख लें, ये हमारा इंडिया का ये रहा बॉर्डर। देन आलमगीरपुर है ये रहा, ये लोकेटेड। ठीक है इस, जो कि यहाँ पर है आलमगीरपुर, मेरठ में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, बैंक्स ऑफ यमुना। यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई, यहाँ क्या क्या मिला है, ब्रोकन ब्लेड मिला है, एक ब्लेड मिला है टूटा हुआ जो कि कॉपर का बना हुआ है। सेरेमिक आइटम्स यानी कब्रिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे आइटम्स मिले हैं। इंप्रेशन ऑफ अ क्लॉथ ऑन अ टर्फ, यानी एक क्लॉथ का इंप्रेशन भी मिला है, कपड़े का इंप्रेशन भी मिला है, एज अ ट्रेड मिला है व्यापार के तौर पे, और एज ए बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है कि यहाँ पे इंप्रेशन मिला है कपड़े का एक। देन उसके बाद मेड़गढ़ पे आते हैं हम लोग, मेड़गढ़ की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो मेड़गढ़ है लोकेटेड, ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो मेड़गढ़ है वो है प्रीकर्सर, सबसे बड़ी बात गाइस, मेड़गढ़ है प्रीकर्सर टू आईवीसी, यानी आईवीसी से भी, प्रीकर्सर मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी कि आईवीसी से भी पहले, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले आ चुका था मेड़गढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले कहा जा रहा है मेड़गढ़ था। ठीक है गाइस, तो आप इतना याद रख सकते हैं। मेरगढ़ में क्या क्या मिला है, पॉटरी मिली है, कॉपर टूल्स ढूंढे गए वहाँ पे, पॉटरीज कुछ ऐसी है, हमें पॉटरियाँ बहुत सारी मिलती थी, पॉटरीज बहुत मिलती थी हम लोगों को, और कॉपर टूल्स मिले हैं जो जो कि वहाँ पे हम लोगों को फाउंड हमने कर रखे हैं आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स के द्वारा, फाउंडर के द्वारा।
देन उसके बाद आते हैं हम आर्किटेक्चर एंड हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन अब मेन चीज़ आ गई, हम इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे घर थे, लोग कैसे कैसे रहते थे, जबकि हमने पढ़ लिया है वहाँ पर कैसे कैसे रहते थे लोग। सिटाडल था और एक लोअर पार्ट था। अब हम वहाँ पे पढ़ेंगे सिटाडल पे क्या क्या थे, लोअर पार्ट में कैसे कैसे लोग रहते थे, सब कुछ हम एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो फिर आप स्टे ट्यून रहिए। तो फिर देखते हैं, हरप्पन और मोहनजोदारो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। यानी कि हरप्पन और मोहनजोदारो से जो टाउन प्लानिंग थी उनकी, बहुत ही शानदार थी। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था पूरा टाउन। अब रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में आपको समझाता हूँ, जो रोड्स थी वो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे रोड्स बनी हुई थी जो कि राइट अप कट कर रही थी सब एक राइट एंगल डिग्री पे। तो मैं अभी आपको रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न समझाता हूँ, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हाउस होते थे, यहाँ पे हाउस, यहाँ पे हाउस, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर। तो आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये सब रोड होती थी, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कट कर रही है ऐसे करके, एक राइट एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे रोड चल रही हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रेट पैटर्न था, अंडरलाइन कर लेना, जो मोहनजोदारो और हरप्पन सिविलाइजेशन था। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स ढूंढी गई हैं वो तीन टाइप्स की बिल्डिंग ढूंढी गई हैं, एक ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ, यानी रहते हैं जहाँ पे वो हाउस मिले हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं और पब्लिक बाथ्स मिले हैं। जो हरप्पन्स हैं उन्होंने वो क्या यूज़ करते थे, मड ब्रिक्स को बर्न करके, यानी कि मड किसे कहते हैं, कीचड़ को, या फिर वही मिट्टी की जो ईंटें थी, मिट्टी की ईंटें उन्हें पका कर, बर्नड, BURNT, यानी उन्हें जलाकर, उन्हें पका कर फिर उसको यूज़ करते थे, उससे वो घर और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। और वो चिपकाते थे कैसे थे, वो जिप्सम मोर्टर के थ्रू वहाँ पे वो उन ईंट को चिपका कर एक के ऊपर एक अपने घर और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। देन उसके बाद द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो सिटी है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, हमने जैसे पढ़ा था अभी, सिटाडल एंड लोअर सिटी। सिटाडल जहाँ पे रिचर लोग, लोअर सिटी यानी पुअर लोग। तो अब हम बात करेंगे कि सिटाडल के पे क्या क्या था और लोअर सिटी पे क्या क्या चीज़ें थी। तो अपर जो सिटाडल है, वेस्टर्न पार्ट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन। यहाँ पे जो सिटाडल पे जो बिल्डिंग्स बनती थी वो बहुत बड़ी बड़ी बनती थी, यानी डायमेंशनल, बहुत बड़ी बड़ी डायमेंशंस में बनती थी। और फिर ग्रेनरीज के लिए भी यहाँ पे ग्रेनरीज भी बनी जाती थी, जैसे कि ग्रेनरीज को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए भी जगह बनाई जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, हॉल्स बनाए जाते थे बड़े बड़े जिसमें पिलर्स के ऊपर रुके रहते थे हॉल्स, कोर्ट यार्ड थे बहुत बड़े बड़े। तो यानी आप समझ ही सकते हैं, आप इससे पता चल गया कि हाँ ये ऊपर रिचर सेक्शन वाले लोग थे। फिर उसके बाद जो ग्रेनरीज वर इंटेल, ये सबसे मेन बात, ग्रेनरीज वर इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स एंड रिस प्लेटफॉर्म। यानी कि जो ग्रेनरीज के लिए वो बनाया गया था प्लेटफॉर्म, इस तरह से कुछ बनाया गया था, ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था, इसके अंदर यहाँ पर ग्रेनरीज भर दी जाती थी, ठीक है गाइस, और इसमें हवा भी लगती थी। प्लस उसके बाद ये बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था, और ये क्या करता था, इसका एक रीज़न था क्या, कि ये कीटाणुओं से बचाता था, पेस्ट जिसे कहते हैं, पेस्ट, कीड़े मकोड़ों से ये इनकी ग्रेनरी अनाज को बचाता था। देख लीजिए आप उनका माइंड कि हाँ बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर कितनी अच्छी अच्छी स्किल्स थी। देन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन सिटीज़, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हरप्पन सिटी का, कि लोगों के घर पे पब्लिक बाथ्स थे, वहाँ पब्लिक बाथ्स होया करते थे, बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स होया करते थे। मैं अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जहाँ पर लोग नहाते थे, मतलब लोग को बहुत अपने मतलब सफाई बहुत रखते थे वहाँ पर लोग, जब नहाते थे डेली नहाते थे, पब्लिक बाथ्स मिले हैं, सफाई रखते थे अपने रिचुअलिस्टिक के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनजिंग इन देयर कल्चर, यानी कि उनके ऐसा ही कुछ काम था, उनके अपने धर्म के तौर पे वो लोग बहुत रिचुअल थे वो लोग, और क्या अपने धर्म को लेकर बहुत साफ सफाई भी रखते थे। देन अभी हम देखते हैं ग्रेट बाथ, ये रहा एग्जाम्पल ग्रेट बाथ का, ऐसे ग्रेट बाथ हुआ करते थे उस टाइम। देन उसके बाद जो सेवेंथ पॉइंट है, अब हम लोअर पार्ट पे आ गए, हमने अपने सिटाडल की बात कर ली, क्या क्या थे बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज, डायमेंशंस बड़े थे, मानी कि बड़े बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़े एरिया में बिल्डिंग्स थी। देन उसके बाद ग्रीनरीज को कैसे बचाया जाता है वो सिस्टम भी था। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक बाथ्स थे, सब चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली सिटाडल पे। अब हम लोअर की बात करते हैं, लोअर पार्ट में क्या क्या है। जो लोअर पार्ट है उसमें छोटे छोटे स्मॉल वन रूम हाउसेज, यानी छोटे छोटे घर हैं जिसमें वर्किंग क्लास पीपल लोग रहते हैं, यानी कि जो वर्क करते थे, ठीक है गाइस, वो रहते थे।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक कुछ घर, यानी सारे नहीं कुछ घर, सम हाउसेस आर डबल स्टोर वर डबल स्टोरेड, यानी कि जो कुछ घर थे वो डबल स्टोर, यानी उनमें स्टेयर्स थी, ठीक है, उनमें जीने थे कुछ घर में, जिसका मतलब उठता है कि वो डबल स्टोरी दो मंजिले घर थे, ठीक है गाइस। अब उसके बाद मोस्ट बिल्डिंग्स हैव प्राइवेट बिल्डिंग्स बाथरूम्स एंड अदर फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ज़्यादातर बिल्डिंगों में प्राइवेट बिल्डिंग्स भी होती थी, बाथरूम्स होते थे प्राइवेट। और हरप्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फीचर क्या है कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होता था, यानी नालियाँ, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यानी बहुत अच्छी तरीके से सबके घरों से नालियाँ निकल रही थी, जितने भी नीचे घर थे उनके हर एक के घर से नालियाँ निकल रही थी फ्रॉम ईच हाउस, और वो कनेक्ट हो जाती थी एक बहुत बड़े नाले में, जैसे कि आजकल के टाइम पे भी होता है, यानी कि छोटे छोटे घरों से नालियाँ निकल रही हैं सारे घरों से, और वो एक बड़े से नाले में मिल जाती हैं, वो सारा उसके थ्रू निकल जाता है कचरा। और उसके बाद एक और इतनी अच्छी बात मिली है कि जो उनकी नालियाँ थी वो लूजली जो लूजली कवर करके रखते थे वो लोग, यानी किसी चीज़ से, किसी हल्के चीज़ से कवर करके रखते थे, ताकि जब वो गंदी हो जाए तो उस कवर को हटाओ, उसके बाद उसे साफ़ कर लो, और ऐसे ही वो रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस रखते थे, जिससे पता चलता है कि वो साफ़ सफाई के दौरान, मतलब साफ़ सफाई के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो साफ़ सफाई की तरफ रहते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ यह पता चलती है, द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन, उनको क्या सबसे बड़ा, उनके जो इम्पोर्टेंस थी वो किस पे थी, हाइजीन पे, बोथ पर्सनल एंड पब्लिक इज क्वाइट इम्प्रेसिव, यानी पर्सनल भी और पब्लिक भी, पब्लिकली भी, आप यानी कि अब वो घर में भी, उनके घर में, घरों में भी लोगों के बात रहता था, पब्लिक बात रहता था, पब्लिक बात नहीं प्राइवेट बात रहता था, और पब्लिक बात पब्लिक्स के लिए रहता था, देन आप देख लीजिए पब्लिक के लिए भी और पब्लिक में भी या और प्राइवेट में भी, दोनों में बहुत साफ़ सफाई रहती थी, जिस वजह से यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है ये चीज़। देन आगे चलते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं, हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिए सारे हरप्पन सिविलाइजेशन के, अब हम स्कल्पचर्स पढ़ेंगे, जो जो हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था स्कल्पचर्स थ्री डायमेंशनल में होते हैं, क्या क्या, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर, पॉटरीज, इन तीनों के रूप में हमें स्कल्पचर्स मिले हैं। सील्स यानी कि ठप्पा, जैसे कि ठप्पा लग जाता है इंसान, ठप्पा होता है, ठप्पा लगा जाता है, उसे हम कहते हैं सील्स, मिली हमें ढेर सारी। ब्रॉन्ज फिगर यानी कांसे की बनी हुई फिगर मिली है, कैसे बनाते हैं कांसे की फिगर, ये भी एक टेक्निक बताई गई है, आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लस पॉटरीज यानी मटके और ये सब चीज़ें हमें बहुत मिलती थी, ठीक है गाइस, मटके वगैरह हमें बहुत मिलते थे पॉटरीज। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी हम पहले हम डिस्कस करेंगे सील्स, सील्स के बारे में कुछ बातें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप साइज अक्रॉस द एक्सकेवेशन साइट, यानी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी नंबर ऑफ सील्स मिली हैं अलग अलग शेप्स की, कोई ऐसी रेक्टेंगुलर, कोई ट्राइंगुलर, ठीक है गाइस, कोई सर्कुलर, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी सील्स मिली हैं, और प्लस अलग अलग साइज, कोई बड़ी कोई छोटी, ऐसी ऐसी यहाँ पे सील्स हम लोगों को मिली हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पढ़ा, कोई स्क्वायर सील मिली है, कोई रेक्टेंगुलर सर्कुलर सील्स हमें ये सब मिली हैं। और स्टेटाइट यानी कि स्टेटाइट एक वर्जन है स्टोन का, जो कि सॉफ्ट स्टोन कहा जा रहा है, ये भी हमें मिला है रिवर बेड्स पे। सम इंस्टेंसेस ऑफ कॉपर गोल्ड आइवरी सील्स, यानी कि कुछ हद तक हम लोगों को कॉपर की सील्स भी मिली हैं, प्लस गोल्ड की सील्स भी मिली हैं, और आइवरी की सील्स भी हम लोगों को यहाँ पर मिली हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, एनिमल इंप्रेशंस वर ऑल्सो देयर, यानी कि जो सील्स हैं उन पे एनिमल के इम्प्रेशंस थे ज़्यादातर हमने देखे हैं, कॉमन एनिमल्स लाइक यूनिकॉर्न के इम्प्रेशन देखे हैं, राइनोसोरस के, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा, यानी और भी अन्य जानवरों के यहाँ पर इम्प्रेशन हमने देखे हैं, जैसे कि अभी हमने पशुपति सील में देखा था, क्या देखा था हमने, राइनोसोरस देखा था, उस बफेलो देखा था, टाइगर, और क्या देखा था एक जानवर, और एंटीलोप्स यानी कि हिरन भी देखे थे हमने वहाँ पे पशुपति सील में। तो इम्प्रेशंस बहुत सारे जानवरों के थे, बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कोई काऊ का एविडेंस नहीं है, यानी कि काऊ के बिल्कुल भी यहाँ पर इम्प्रेशन नहीं दिखे हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि काऊ के एविडेंस, यानी कि कोई काऊ के इम्प्रेशन काऊ के बारे में पूछा जा सकता है थी या नहीं, या फिर कुछ ऐसा हो उसका इंडिकेशन वहाँ पे था या नहीं, तो आप सीधे सीधे जवाब है नो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे काऊ के बारे में कुछ यहाँ पे देखा इम्प्रेशन नहीं देखा गया। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, सम सील्स हैव हैड फिगर्ड ऑन वन साइड इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर साइड एंड सम हैड इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ साइड्स एंड सम हैड इंस्क्रिप्शन ऑन थर्ड साइड एज वेल, यानी कि कुछ सील ऐसी होती थी कि यहाँ पर इम्प्रेशन बना पड़ा है, यहाँ पे कार्टून्स वगैरह जो भी बना हुआ है,
उसके दूसरी साइड पे इंस्क्रिप्शन, यानी कि किसी हार्ड सरफेस पे गाड़ के लिख जाता है चीज़ से, इंस्क्रिप्शंस होते थे। या फिर एक दूसरे टाइप की सील मिलती थी कि उस पे दोनों तरफ इंस्क्रिप्शंस होते थे, यानी आगे भी इंस्क्रिप्शन और बैक पे भी इंस्क्रिप्शन। तीसरी टाइप की हमें सील ऐसी मिली है कि उसके साइड में इंस्क्रिप्शन होते थे, यानी कि थर्ड साइड पे इंस्क्रिप्शन हमें पाए गए हैं। अब उसके बाद बात याद करते हैं मैथमेटिक्स इमेजेस, यानी कि कुछ कुछ हमें सील्स ऐसी मिली हैं जिन पे मैथमेटिक्स इमेजेस बनी है, मान लीजिए ट्राइंगुलर, सर्कुलर, इन सब की ज्योमेट्रिक इमेजेस बनी हुई हैं, जो कि हमें पता चला है कि वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए यूज़ करते थे वो चीज़, मैथमेटिक इमेजेस। देन उसके बाद हमें सेवन्थ पॉइंट के बाद चल रहा है सील्स विद सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिका, यानी कि स्वास्तिका हम लोग हिंदूज में क्या होता है, जैसे हम लोग ओम कहते हैं वैसे ही ये स्वास्तिका साइन है। तो ये भी हमें एक सील मिली है बिल्कुल सिमिलर है स्वास्तिका की, ऐसी जो मैं अभी सील दिखाऊंगा वो आपको, इसकी मेरे पास इमेज है कुछ ऐसी, ये हमें ये वाली सील भी पाई गई है यहाँ पे, हम लोगों ने ढूंढी है। देन उसके बाद पशुपति सील की बात करते हैं, ये मोस्ट फेमस, और ये किससे बनी हुई है, स्टेटाइट से, ठीक है गाइस, जो कि सॉफ्ट स्टोन है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है ये ऊपर, यहाँ पे सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इसे इन्हें डीटी, यहाँ पे एक देवता कहा जा रहा है। ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं इन्होंने ढेर सारे, और यहाँ पे हॉर्न टू हॉर्न कैप पहन रखी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे राइनोसॉरस है, बफेलो है, टाइगर है, एलिफेंट है, यानी एनिमल इंप्रेशंस भी हैं, यहाँ पे डियर है, ठीक है गाइस। तो आपसे यहाँ पे इन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, आर्मलेट्स पहन रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज ये हो गया पशुपति सील के बारे में, ये हमने एक एग्जाम्पल लेके, सील ऐसी होती हैं ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देन उसके बाद आते हैं ब्रॉन्ज फिगर पे। तो गाइज जो यहाँ पे ब्रॉन्ज के स्टैचू बनते थे, जो कांसे के स्टैचू बनते थे, वो किस तरीके से बनते थे, यहाँ पर वो पूरा प्रोसेस है। ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी कि लॉस्ट वैक्स, वैक्स कहते हैं मोम को। अब मोम यानी लॉस्ट, यानी इसमें इस स्टैचू को बनाने में मोम का लॉस होता था, इतना पता चल रहा है इसे। और क्या कहते हैं, साइरेपर्डियो, ठीक है इस। तो अब इन दिस टेक, अब ये टेक्निक की बात करते हैं, टेक्निक में क्या होता है। इन दिस टेक्निक वैक्स फिगर्स आर कोटेड विद वेट क्ले, यानी वैक्स को हमने, मान लीजिए एक मूर्ति है, ठीक है, हमने इसके ऊपर लगा दी वेट क्ले, हमने वैक्स की, वैक्स से यानी मोम से बनाई ये वाली मूर्ति, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने मोम से वाली मूर्ति बनाई, उसके ऊपर हमने वेट क्ले यानी चिकनी मिट्टी लगा दी, हमने इसको सुखा दिया, ठीक है गाइस, सुखाने सुखा दिया। फिर उसके बाद हमने इसे गर्म करा, हीट करा, ताकि ये चिकनी मिट्टी पक के सही हो जाए, एकदम ठोस हो जाए। हमने हीट करा, तो फिर हीट करते करते ये वैक्स पिघल गई, ठीक है, ये वैक्स पिघल गई। अब हमने एक छोटे से होल के थ्रू इस वैक्स को बाहर निकाल दिया। अब वैक्स को बाहर निकाल दिया तो हमने क्या करा, जो ब्रॉन्ज मेटल था, ब्रॉन्ज मेटल को, मेटल जो है मेल्ट करके हमने इसके अंदर डाल दिया। वैक्स को निकालने के बाद मेटल डाल दिया इसके अंदर। अब मेटल डाल दिया तो मेटल को ठंडा करा थोड़ी देर, मेटल को कूल डाउन करा। फिर उसके बाद कूल डाउन करने के बाद जो ऊपर की मिट्टी थी, ये क्ले कोट, ये हटा दी हमने। अब जब ये रिमूव कर दी तो जो मेटल फिगर है वो उभर के आ जाएगी बाहर, और वो कितनी खूबसूरत लगेगी, जितनी अच्छे से वो वैक्स से वो मूर्ति बनी होगी, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस है, पूरा टेक्निक है कि ब्रॉन्ज फिगर कैसे बनती थी। एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज फिगर का, ब्रॉन्ज फिगर एक डांसिंग गर्ल है जो कि मोहनजोदड़ो में मिली गई है। अभी हम इसके बारे में अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने आर्मलेट्स पहन रखे हैं, ये एक गर्ल है जो विदाउट क्लोथ्स है, विदाउट क्लोथ्स है। यहाँ पे इन्होंने नेकलेस पहन रखे हैं, आर्मलेट्स पहन रखे हैं, ब्रेसलेट पहन रखा, यानी ऑर्नामेंट्स ढेर सारे पहन रखे हैं, और एक डांसिंग पोज में है। डांसिंग पोज का नाम है त्रिभंगा, TRIBANGH, त्रिभंगा डांसिंग। यहाँ पे एक पोज है उसके पोज में, जिसमें इनका राइट हैंड हिप पर है और ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे नी पर है, ठीक है गाइस। तो ये त्रिभंगा आप नोट कर सकते हैं, डांसिंग पोज है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं टेराकोटा। टेराकोटा आपको पता चल ही गया होगा कि चिकनी मिट्टी को पका के, आग में पका के जो ठोस कर दिया जाता है, और फिर उससे कुछ बनाया जाता है, मतलब कुछ चिकनी मिट्टी से कोई चीज़ बना ली फिर उसको पका दिया, तो उसे कहते हैं हम टेराकोटा। टेराकोटा रेफर्स टू द यूज़ ऑफ फायर बेक्ड क्ले, फायर बेक्ड क्ले, ठीक है गाइस, समझ गए होंगे आप लोग, फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स, यानी कि इस टेराकोटा चिकनी मिट्टी से स्कल्पचर बनाया, मूर्ति बनाई, उसे पका दिया। कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर्स, यानी अब कंपेरिजन हो रहा है टेराकोटा और ब्रॉन्ज फिगर का, जो जो टेराकोटा है वो बहुत ही लेस इन नंबर्स था, मतलब बहुत ज़्यादा कम नंबर में मिले हैं, कम संख्या में मिले हैं, एज़ कम्पेयर टू ब्रॉन्ज फिगर। ब्रॉन्ज फिगर हमें ज़्यादा मिली हैं, टेराकोटा फिगर हमें बहुत कम मिली हैं, क्योंकि टेराकोटा फिगर जो मिली हैं वो हमें क्रूड इन शेप और एंड फॉर्म मिली हैं, यानी कि कुछ उबली खाबली सी शेप है उनकी,
क्योंकि वो ऐसी ही बनी हुई है मिट्टी से। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैव दिस हैव फाउंड मोस्टली इन द साइट्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगन। जो टेराकोटा है वो ज़्यादातर गुजरात और कालीबंगन में फाउंड करा गया है। टेराकोटा वॉज जनरली यूज टू मेक टॉयज़ एनिमल्स फिगर्स मिनिएचर कार्ड एंड व्हील्स। यानी जो टेराकोटा वो ज़्यादातर यूज़ होता था टॉयज़ खिलौने बनाने के लिए, जानवरों की फिगर बनाने के लिए, एनिमल फिगर, मिनिएचर कार्ट एंड व्हील्स यानी कि छोटे छोटे हल पहिए इन सब बनाने के लिए यहाँ पर ये टेराकोटा यूज़ होता था। देन उसके बाद यहाँ पर है एक एग्जाम्पल है मदर गॉडेस फिगर, यानी टेराकोटा का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो टेराकोटा कहलाती हैं ये फिगर। और ये फिगर गॉडेस क्यों कहला रही हैं, क्योंकि लोग थे वो लोग वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे इनकी फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी यानी वेल्थ के लिए, समृद्धि के लिए यहाँ पर इनकी पूजा करते थे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्क्राइब करा गया है मूर्ति के बारे में कि इन्होंने यहाँ पे नेकलेस पहन रखा है, ग्रिडल्स पहन रखे हैं यानी कि कमरबंद पहन रखा है, कैप लगा रखी है, उसके बाद यहाँ पर धोती और धोती पहन रखी है। ठीक है गाइस, तो आप ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं हम लोग। अब आती है बात पॉटरी की। हमने एक सील्स पढ़ लिए, हमने आर्किटेक्चर सब कुछ कवर कर लिए, अब स्कल्पचर्स में हमने सील्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं पॉटरी के बारे में। हमें पॉटरीज बहुत सारी मिली हैं और पॉटरीज टू टू टाइप्स की मिली है, एक प्लेन पॉटरी मिली है, एक पेंटेड पॉटरी मिली है। पेंटेड पॉटरी जो है वो रेड और ब्लैक कलर में मिली है, जिसमें जो रेड कलर है वो बैकग्राउंड होता था और ब्लैक कलर से ऊपर डिजाइंस बना दिए जाते थे। डिजाइंस किस किस के फॉर्म में बनाए जाते थे, ट्रीज बना दिया, बर्ड्स बना दिए, ठीक है, पेड़ बना दिए, चिड़िया बना दी, जानवर बना दिए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिए यानी कि ट्राइंगल, सर्कल, कुछ भी बना दिया। किस कलर से, ब्लैक कलर से, और पीछे बैकग्राउंड क्या होता था, रेड कलर का। जो पॉटरीज हैं वो तीन पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। जो फर्स्ट पर्पज़ है वो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी पॉटरीज, यानी मटके वगैरह घर के लिए यूज़ हो जाते थे। कैसे, पानी रखने के लिए घर में यूज़ हो जाते थे और अनाज रखने के लिए यूज़ कर लेते थे लोग। जो दूसरा पर्पज़ है वो डेकोरेटिव पर्पज़ यानी सजाने के लिए लोग घर में रखते थे। एंड जो थर्ड पर्पज़ है वो पॉटरी ही अलग है, वो परफोरेटेड पॉटरी है। परफोरेटेड पॉटरी वो होती है जिसमें ऐसी इस टाइप की पॉटरी होती है जिसमें यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होंगे और नीचे एक बहुत बड़ा होल होगा, ठीक है, जो कि लिक्कर यानी शराब को छानने के लिए काम करी जाती थी। यहाँ पे मैं दोनों के एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे ये हमारी पेंटेड पॉटरी है जिसमें रेड कलर का बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर से पेंट हुआ हुआ है, ये है हमारी परफोरेटेड पॉटरी जिसमें होल्स हैं साइड में और नीचे एक बड़ा सा होल है जो कि यूज़ करी जाती है फॉर स्ट्रेनिंग लिक्कर। देन उसके बाद आते हैं हम ऑर्नामेंट्स पे। हमें जो ये ऑर्नामेंट्स भी ढेर सारे मिले हैं स्कल्पचर्स में ही, हमें वहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी बहुत सारे मिलते थे। और ऑर्नामेंट्स कैसे मिले हैं, जो लोगों ने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे कैसे लोगों ने यूज़ करा। जो हरप्पन्स हैं उन्होंने लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स, जेम स्टोन्स टू बोन्स इवन बेक क्ले, यानी कि जो किस किस तरीके से बनाए थे हरप्पन के लोगों ने, प्रीशियस मेटल से लेके जेम स्टोन प्लस हड्डी का भी यूज़ करा था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, और बेक्ड क्ले यानी मिट्टी के भी यहाँ पे ऑर्नामेंट्स बनाए हैं लोगों ने। बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स, मैन और वुमेन, आदमी औरत दोनों ही ये जो है ऑर्नामेंट्स पहनते थे। किस तरीके के नेकलेसेस पहनते थे ये लोग, फिलेट्स, आर्मलेट्स यानी बाजू में पहनने वाला, फिंगर रिंग्स, अंगूठियाँ, गिरडल्स, कमरबंद, ईयरिंग, कान के एंकलेट्स, पायल हो गई, ये सब चीज़ें लोग पहनते थे। वर बोर्न बाय ओनली बाय वुमेन, ये सब जो है वुमेन के थ्रू पहना जाता था, और मैन के थ्रू रिंग्स, नेकलेसेस वगैरह मैन भी पहन लेते थे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वुमेन के थ्रू पहनी जाती थी, ठीक है गाइस। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बीट्स भी हमें फाउंड करेंगे, और जो बीट्स हैं वो लार्ज नंबर में मिले हैं हम लोगों को, और जो कि प्रोड्यूस भी होते थे लार्ज स्केल में। बीट्स क्या होती हैं, मोतियाँ जिसे कहते हैं, मोती वो, और इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। स्टेटाइट जो कि एक स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन, ऐसी ही ये सारी चीज़ें हैं, अनमोल चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पे बीट्स बनते थे। और इनकी सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि हमें फैक्ट्रीज डिस्कवर करी हैं हम लोगों ने, चन्हुदाड़ो में और लोथल में इनकी बीट्स की फैक्ट्रीज मिली हैं। चन्हुदाड़ो और लोथल में यहाँ पे बीट्स की फैक्ट्री डिस्कवर करी गई हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं फॉर फैब्रिक। अब आ गए ऑर्नामेंट्स की बात खत्म हुई, अब जो हरप्पन है वो क्लॉथ्स पे आ गए। क्लॉथ्स कॉटन और वूल के यूज़ करते थे, फैब्रिक जो है वो कॉटन और वूल की यूज़ करते थे। अब इतनी सारी बातों से क्या पता चलता है कि ऑर्नामेंट्स, ड्रेसेस, पोजिश पोजिंग, इन सबसे क्या पता चलता है कि ये लोग फैशन के
फैशन थे वो कॉन्शियस थे, फैशन कॉन्शियस थे, यानी फैशन के बारे में उन्हें पता था। और एक फैशन के बारे से रिलेटेड एक और बात आती है कि उन लोगों की स्टाइल ऑफ हेयर एंड बियर्ड बहुत बहुत अच्छा था, यानी कि उनकी दाढ़ी का स्टाइल और उनके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अभी हम आगे देखेंगे, बट ये उससे पहले ये देख लीजिए, ऑर्नामेंट्स की इमेज है जो कि हर जगह आर्ट एंड कल्चर में यूज़ होती है। तो ये किस तरीके से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बीड्स के ये बनाए हैं, ब्रेसलेट्स, ठीक है गाइस, नेकलेसेस, आर्मलेट्स, सब चीज़ें यहाँ पर, ये हड्डी और बोन्स के थ्रू और उसके बेक्ड क्ले के थ्रू यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाते थे। देन उसके बाद आता है एक एग्जाम्पल हमारा बियर्डेड प्रीस्ट का। यहाँ पे हम लोग बियर्डेड प्रीस्ट का क्यों लिया एग्जाम्पल, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा था फैशन कॉन्शियस कैसे हैं वो लोग, फैशन कॉन्शियस। अभी हम बियर्ड की बात कर रहे थे, इनकी बियर्ड देखिए कितनी स्टाइलिश है, लाइनिंग हो रखी है, इनकी शॉल देखिए, शॉल में एम्ब्रॉयडिंग देख लीजिए, कढ़ाई देखिए, फ्लावर बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छा लग रहा है। इन्होंने आमलेट भी पहन रखा है, आमलेट नहीं, ऑमलेट नहीं, आर्मलेट, ARMLET, आमलेट मत समझना, आर्मलेट पहन रखा है। और देखिए फोरहेड पे भी पहन रखा है, और इनकी आइज़ आधी क्लोज हैं। आधी क्लोज का मतलब क्या होता है कि बंदा मेडिटेशन की पोजिंग में है, यानी कि ये मेडिटेशन की पोजिंग में है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है फैशन कॉन्शियस कितने हैं। अब यहाँ पे रेड सैंड स्टोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे रेड सैंड स्टोन के बारे में कुछ बताया गया है कि यहाँ पे इनका प्रोमिनेंट स्टमक दिखाया, यानी पेट निकला हुआ दिखाया गया है, और जो ये शोल्डर हैं बहुत अच्छी तरीके से बेक करे गए हैं, यानी बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए स्पेस छोड़ा हुआ है आर्म्स में, और नेक पे स्पेस सॉकेट छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे आर्म्स और नेक को फिट कर सकें। तो गाइज ये हो गई हमारी सैंडस्टोन की बात। तो गाइज यहाँ पे हमारा होता है हरप्पन सिविलाइजेशन ख़त्म। अब हम बात करेंगे मौर्यन, वो गुप्ता एज की बात करेंगे गाइज। तो गुप्ता एज या फिर मौर्यन आर्ट्स की बात करें, दोनों में से किसी एक पे हम लोग सेशन करेंगे अब, नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट गाइज। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसका कंटेंट तैयार करने में 1 घंटे में, और आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने ये पूरा सही से लेक्चर देखा है, और तो आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ कवर हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी बात पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारी स्टैंडर्ड बुक धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी स्टैंडर्ड बुक डिस्कस करेंगे। और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, deepak_1004 के नाम से मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को भी दबा देना। तो गाइज़ इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे गले में आ होने लगा है दर्द। तो गाइज़ यहाँ पे आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।